नमस्कार दोस्तों, दसवीं पास महिलाओं को सरकारी नौकरी करने का बड़ा मौका। आज जानेंगे इसमें कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रक्रिया है इस फॉर्म को आवेदन करने का। अगर आप एक महिला है, पुरुष है, सभी लोग इस फॉर्म का आवेदन करेंगे। आपको बता दें, इसमें कोई भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा नहीं ली जाएगी। और 2019 में अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीधी भर्ती 2019 है। आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। आठवीं दसवीं सभी पास के लोग जो है आवेदन करेंगे। 15,000 पदों पे दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है। 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें कि इसमें 18 से लेकर 42 वर्ष की उम्र तक के सभी लोग आवेदन करेंगे। पुरुष महिला सभी आवेदन करने का आप लोगों को बड़ा मौका दिया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो अंतिम तक लास्ट तक देखें, ताकि आप सभी जानकारी ध्यानपूर्वक समझ सके। एक एक जानकारी के माध्यम से आप फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ जानकारी आपको ध्यानपूर्वक समझना है, तो सारी के लिए आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप एक सरकारी नौकरी करना चाहती हैं तो आपको एक सरल सवाल का जवाब हमारे चैनल पे जो पूछा जाता है उसको जवाब देना होता है। तो आज का प्रश्न है कि महाभारत से जुड़े सरल प्रश्न का जवाब किस अभिनेत्री ने नहीं दिया। जी हाँ, एक सरल सवाल का जवाब किस अभिनेत्री ने नहीं दिया। आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, इसका सही जवाब नीचे कमेंट करके जो सही जवाब देगा उनको मिलेगा 20,000 रुपए का पेटीएम कैश। जी हाँ, सही जवाब देने वाले को पेटीएम कैश मिलेगा और जो सही जवाब देगा उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसका सही जवाब नीचे कमेंट करके आप दीजिए और हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आइए हम आपको बताएं कैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया को भरना है। तो आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। तो ICDS, जी हाँ, इसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है 2019 में और इसमें वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी दी गई है। इसमें आप लोग सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी दी जाएंगी। जी हाँ, आंगनवाड़ी की ये वैकेंसी है और इसमें कैसे आवेदन करना है तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएंगी। तो वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आपको दिखा देता हूं मैं जो है आंगनवाड़ी ने अभी हाल में ही एक वैकेंसी निकाली है, जिसको दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पोस्ट है और यहाँ पर वर्कर और हेल्पर की पोस्ट जो है दिखाई गई है। इसमें आपको दिखा देते हैं जो बोर्ड है वो है ICDA, जो आंगनवाड़ी भर्ती लेती है और इसकी नोटिफिकेशन जो है निकाल दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 8/11, जी हाँ, 8/11 तक जो है यहाँ पर एक पोस्ट जो है कि हेल्पर के लिए है और वर्कर के लिए पूरी दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप इसमें फॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको दोस्तों यहां पर आप आइएगा नीचे की ओर, तो आपको एक बटन दिखेगा आंगनवाड़ी का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आंगनवाड़ी के इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आंगनवाड़ी के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हम बताएंगे। तो इससे पहले आपको और भी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि कैसे इसमें जो है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 18 से लेकर आपको दिखा देता हूं मैं सब कुछ। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आप देख सकते हैं 18 से लेकर 38 वर्ष तक के जो 33 वर्ष की उम्र है तब तक आप फॉर्म जो दोनों के लिए भर सकते हैं। मिनिमम आपको 10th पास मांगी गई है। वर्कर के लिए, हेल्पर के लिए आपको 7th स्टैंडर्ड की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे और कुछ जानकारी दोस्तों। यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा, केवल एक छोटी सी इंटरव्यू होगी और आपको दोस्तों एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का बटन है, यहाँ पर आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा और इस फॉर्म को भरना है। और आपको दिया गया है किस ऑफिस में जाकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। ये बाई पोस्ट के अनुसार आपको ये भर्ती दी जाएंगी। तो आप इसको आवेदन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप फॉर्म भर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।